Students of 12th class, we are carrying forward the chapter number 3, and our question was explain games and sports as man's cultural heritage. So we shall continue the question. Now, the physical activities of the past were changed in the form of games and sports with specific rules and regulations. I have already told you that earlier the physical activities were there. People in the prehistoric period did physical activities, although those physical activities were not given the shape of games and sports, but physical activities were there, because without physical activities a man cannot live for a longer time. Correct. So physical activities of the past were changed in the form of games and sports. Suppose running karte the pehle, to running ko to fir sport banaya. Theek hai, jumping karte the to fir usko sport banaya. Yahi matlab hai, isko sports banaya ya games banaye hum logon ne. Haan, pehle bhi physical activities hua karte thi. Now we have to study what contribution Greece has made, Rome has made, England has made, America has made, Germany has made, and China has made. ठीक है, इन दीज गेम्स एंड स्पोर्ट्स. ग्रीस का नाम तो सबसे पहले आता है. ग्रीक सिविलाइजेशन हेल्प्ड अ लॉट इन डेवलपिंग द स्पोर्ट्स कल्चर. ग्रीक सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, रोमन सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, उसी तरह से ग्रीस सिविलाइजेशन जो थी, ग्रीक सिविलाइजेशन जो थी, उन्होंने भी बहुत हद तक इसको कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर बनाने में बहुत हद तक मदद की है. The first Olympic Games were also started in the year 776 BC. तो पहले जो ओलंपिक गेम्स जो थी, हेल्ड हुई है, स्टार्ट हुई है, वो हुई है 776 BC में. At Athens. Athens is a place in Greece. In Greece, in the honor of God Zeus. किसके ऑनर में? गॉड Zeus. क्योंकि वहाँ पर वो गॉड गॉडेसेस मानते हैं, इसलिए गॉड Zeus के ऑनर में, उसकी इज्जत में ये बना, ये क्या बोलते हैं, ओलंपिक गेम्स जो है स्टार्ट हुए या हेल्ड हुए. इन दिस गेम्स द इवेंट्स हेल्ड वेयर चैरियट रेसेस. चैरियट रेस थी वहाँ पर. चैरियट क्या होता है? रथ, रथों की रेस. चैरियट मैंने रथ. रनिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, थ्रोइंग, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं. ठीक है, पहले इन गेम्स में क्या है, पहले पहले क्या हुआ था उसमें, ग्रीस में चैरियट रेसेस, रनिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, थ्रोइंग, दी सॉर्ट ऑफ इवेंट्स वेयर हेल्ड देयर इन ग्रीस. द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेयर आल्सो स्टार्टेड एट एथेंस इन द ईयर 1896 इन ग्रीस. जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं वो भी कहाँ स्टार्ट हुई, वो भी कहाँ हेल्ड हुई, 1896 इन ग्रीस, ग्रीस में ही. इसलिए द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीस टूवर्ड्स गेम्स इज लॉट एंड कमेंडेबल एंड एडमिरेबल. ठीक है, इन्होंने जो काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है इन्होंने गेम्स, गेम्स के गेम्स को आगे बढ़ाने में. ठीक है, तो फिर रोम की बारी आती है. रोम क्या है? रोम, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रोम फॉर डेवलपमेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज़ नॉट एप्रिसिएबल. ऐसा माना जाता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन रोम की थी वो गेम्स और स्पोर्ट्स में ज़्यादा एप्रिसिएबल नहीं थी, लेकिन फिर भी, बिकॉज दे थिंक दैट द गेम्स वेयर मेंट फॉर स्लेव्स ओनली. गेम्स तो हेल्ड होते थे, लेकिन दोज पीपल फेल दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर मेंट फॉर स्लेव्स. ये नौकरों के लिए ठीक है. हम जो वहाँ पर अमीर लोग हुआ करते थे, तो मनीड पीपल थे, वो बोलते थे हमारे लिए नहीं है, हाँ नौकरों के लिए है, एक किस्म का लड़ना भिड़ना, तो ये स्लेव्स के लिए है, इसलिए अप्रिशिएबल नहीं है. दे मोस्टली प्रैक्टिस रनिंग, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या प्रैक्टिस किया, रनिंग, जंपिंग, रेसलिंग, सोर्ड फाइटिंग एंड डिड फिजिकल एक्सरसाइज. तो ये चीज़ें की, रनिंग भी, जंपिंग भी, रेसलिंग भी, स्वॉर्ड फाइटिंग, तलवारबाजी एंड डिड फिजिकल एक्सरसाइजेस आल्सो टू डेवलप द ब्यूटी ऑफ द बॉडी. किसके लिए ज़्यादा इन पर ये था ख्याल, ये ब्यूटी ऑफ द बॉडी बढ़ाएं, उसको ठीक करें, उसको उसमें सुधार लाएं, अच्छा निखारें, अच्छा बनाएं बॉडी को. इंग्लैंड, फिर तीसरी बारी इंग्लैंड के बारे में, इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द गेम्स था. इंग्लैंड डेवलप्ड मेनी गेम्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, पोलो, साइकिलिंग एट्सेट्रा. इंग्लैंड ने बड़ी सारी गेमें डेवलप की, लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, पोलो, साइकिलिंग. तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन था इंग्लैंड का. तो मतलब इट शुड बी कंसिडर्ड ए ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डेवलपमेंट और डेवलपिंग
गेम्स और टूवर्ड्स डेवलपिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, इनको गेम्स। फिर आती है अमेरिका के बारे, ठीक, अमेरिका का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत सराहनीय रहा है, अच्छा रहा। मोस्ट ऑफ द बॉल गेम्स लाइक फुटबॉल, अब बॉल गेम्स जो है बोलते ज़्यादातर ही अमेरिका से आई हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, रग्बी, सॉफ्टबॉल एट्सेट्रा आर डेवलप्ड इन अमेरिका। ये दीज वेयर आर नहीं ऐसे, ये तो ऑलरेडी हैं यहाँ पर, दीज वर डेवलप्ड इन अमेरिका। फुटबॉल जिसमें बॉल बॉल है, देखो मोस्ट ऑफ द बॉल गेम्स फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, रग्बी, सॉफ्टबॉल डेवलप्ड इन अमेरिका। अमेरिका टुक एथलेटिक्स टू न्यू हाइट्स बाय पॉपुलराइजिंग इट। इसके अलावा इन एडिशन टू दीज गेम्स इन अमेरिका टुक एथलेटिक्स टू न्यू हाइट्स, अमेरिका ने एथलेटिक्स को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। तो कॉन्ट्रीब्यूशन उनका भी बहुत सही सही है, अच्छा है, एप्रिसिएबल है, सराहनीय है, मानने योग्य है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। एंड जर्मनी इज देयर, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्मनी इज़ ग्रेट एज फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन स्कूल वॉज एस्टेब्लिश इन जर्मनी। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बहुत अच्छा माना जाता है, क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि इन्होंने सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन स्कूल जो है वो जर्मनी ने सबसे दुनिया में सबसे पहले एक स्कूल बनाया, इंस्टीट्यूशन बनाया इन जर्मनी इन द ईयर 1774 में। जर्मनी मेड फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी फॉर इट्स सिटीजन्स, जर्मनी ने फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी बनाया अपने लोगों के लिए, ठीक है, अपने सिटीजन्स के लिए। द एक्टिविटीज़ विच वेयर प्रैक्टिसड आर फेंसिंग, जो एक्टिविटीज़ की जाती थी वहाँ पर वो क्या थी? फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, रेस्लिंग, स्विमिंग, स्केटिंग, ये सारी गेम्स के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्मनी towards development of games or towards developing physical activities in the form of games. Then China, comes the turn of China. China ka bhi bada raha hai role, the contribution of China is also remarkable. Inka bhi badhiya badhiya role raha hai games ko samarne mein, sudharne mein, suljhane mein, aage badhane mein, nayi shape aur disha dene mein. Games like polo, gymnastics and traditional martial art, games like polo wahan se aayi hai China se, gymnastics चाइना से, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट कुंफू वहाँ से डेवलप इन चाइना, ये आज भी डेवलप होती है, तो पहले भी डेवलप हुई थी। मैनी ग्रेट प्लेयर्स इन गेम्स लाइक बैडमिंटन, दो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी आए हैं चाइना से, किस किस गेम में? बैडमिंटन से, जिमनास्टिक्स से, डाइविंग से, टेबल टेनिस से, वेट लिफ्टिंग से, वेर ऑल्सो प्रोड्यूस बाई चाइना। मैनी ग्रेट प्लेयर्स इन गेम्स लाइक बैडमिंटन, जिमनास्टिक्स, डाइविंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग वेर ऑल्सो प्रोड्यूस बाई चाइना। तो बड़े बड़े जो दिग्गज खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, जिमनास्टिक्स के, डाइविंग के, टेबल टेनिस के, वेट लिफ्टिंग के, वो भी चाइना से ही, चाइना ने ही पैदा किए। इसका मतलब चाइना का कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो ह्यूज, हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन जो चाइना का है वो भी कोई कम उसको नहीं आंकना चाहिए, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो भी बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह आज आपने पढ़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किस किस कंट्री का रहा पहले से। पहले आपके पास ग्रीस आया, वहाँ से फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुई 776 BC इन द ऑनर ऑफ गॉड जियस। उसके बाद पहला ओलंपिक जब हुआ मॉडर्न टाइम्स का तो वो 1896, वो भी ग्रीस में। उसके बाद रोम की कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके पास उन्होंने कौन सी गेम लाई? रनिंग, जंपिंग, रेसलिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, और लेकिन उनका एक चीज़ था कि वो बोलते थे गेम्स आर मेंट फॉर स्लेव्स, ठीक है, वो गड़बड़ था उनमें। फिर इंग्लैंड के भी, इंग्लैंड ने भी दिया क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, पोलो, साइकिलिंग। अमेरिका भी कंट्रीब्यूशन जो था गेम्स को संवारने में, सुधारने में, सुलझाने में, आगे बढ़ाने में, ठीक है, इसका प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने में बढ़िया रहा। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, रग्बी, सॉफ्टबॉल ये अमेरिका से आए हैं, ठीक। जर्मनी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा ज़बरदस्त रहा, ठीक, उन्होंने वहाँ पर पहला स्कूल खोला फिजिकल एजुकेशन का 1774 में। फिर उनकी एक्टिविटीज़ फेंसिंग, हॉर्सिंग, हॉर्स राइडिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, रेस्लिंग, स्विमिंग, स्केटिंग, ठीक। फिर चाइना का भी हो रहा, चाइना में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी दिए जिमनास्टिक्स में, डाइविंग में, टेबल टेनिस में, वेट लिफ्टिंग में, और उन्होंने जिमनास्टिक्स और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। इसका मतलब ये चार पांच मुल्क जो हैं, कंट्रीज जो हैं, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट टूवर्ड्स गिविंग ए प्रॉपर शेप एंड सेम्बलेंस टू द गेम्स दैट वी सी इन आर मॉडर्न एरा। आजकल जो गेम्स हम देखते हैं, दाएँ बाएँ टूर्नामेंट्स, इवेंट्स होते रहते हैं, तो इन मुल्कों का उसमें बड़ा योगदान है, इसीलिए इनका जिक्र हमने यहाँ पर किया है। सो विद दिस वी वाइंड अप दिस लेक्चर। सो थैंक्स अ लॉट।